हेलो भाइयों, आकाश पवार आज खड़ा हुआ है अयोध्या रेलवे स्टेशन पे। बहुत तेज हवा चली हुई है यहाँ पे, तो आज मैं जो ट्रेवल करने वाला हूँ मैं करूँगा वंदे भारत में। अयोध्या से वाराणसी का सफ़र रहेगा ये, 2 घंटा 40 मिनट का हमारी जर्नी रहेगी, जिसमें हमने जो ट्रेन ऑनलाइन बुक करी थी 4 लोगों की 2500 रुपये में बुक हुई थी। ये 2500 में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, 50 रुपये का पड़ रहेगी, 2500 रुपये के लगभग ही। अब हमारी ट्रेन है यहाँ पे 5 बजे की, तो अब हम लोग 1 बजे ही स्टेशन पे पहुँच गए, मतलब 1:30 बज रहा है अभी, हम स्टेशन पे पहुँच गए हैं। अब आगे क्या होता है, कहाँ पे हम बैठेंगे, कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारी जर्नी कैसी रहने वाली है, किस तरीके का खाना पीना मील वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इसके अंदर, ताकि आप भी वंदे भारत में सफ़र करें तो आपको पता रहेगा कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। वेटिंग रूम? हाँ, वेटिंग रूम तो होगा, वेटिंग रूम में ही बैठते हैं चल के अभी, तो क्योंकि 4 घंटे कहाँ रहेंगे बहुत टाइम से। है रोटी खाया तो भूख लग रही है? अरे रोटी मैं ऑनलाइन मंगा लूँगा, आ जाओ यहाँ अयोध्या में। अयोध्या में ज़्यादा होटल रेस्टोरेंट नहीं है खाना खाने के लिए, तो जोमेटो पे जो दिख रहा है उसी पे से ऑर्डर करके मंगा लूँगा। बहुत टाइम हो गया भाई, मैंने ट्रैवल नहीं किया है ट्रेन में, हो गए मुझे 6-7 साल हो गए ट्रेन में ट्रैवल किए। आज आया हूँ मैं स्टेशन की शक्ल देखने के लिए, हाउ द स्टेशन लुक। यहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हैं, देखो यहाँ का रेलवे स्टेशन अच्छा बना रखा है, बिल्कुल वाइब्स आती है, जैसे एयरपोर्ट है ऐसा ही रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट पे ज़्यादा वाइब्स नहीं थी, बट रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा वाइब्स है। देखो लोग यहाँ पे इसके साथ में क्या है ये मम्मी, क्या है ये गिलहरी? गिलहरी का क्या मतलब है यहाँ पे? बना रखी है गिलहरी, एक किस्म को एंजॉय करो। ना ऐसा कुछ तो मतलब होगा गिलहरी का, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बना रखी है। हाँ, यहाँ पे गिलहरी की हवा करने के लिए अच्छा ही बड़ा पंखा लगा रहा है। जय बाबा की। एसी वेटिंग हॉल है यहाँ पे, वेटिंग हॉल है स्टेयर केस, तो काफी मतलब एकदम ऐसा लग नहीं रहा है रेलवे स्टेशन सा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मॉल वॉल से हम आगे हों। आ जाओ चलो एसी में बैठ के देख कर आ जाओ। ओ भाई साहब एस्केलेटर बा, यहाँ तो एस्केलेटर होता। और वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, वेटिंग हॉल, वेटिंग हॉल में लाइट नहीं है, एसी वेटिंग हॉल में हम देखेंगे कैसा है। अरे है इधर, यहीं पे फूड प्लाजा है, इसी में खा लेंगे। आओ इधर आ जाओ भाई, ये एसी वेटिंग एरिया तो पूरा भरा हुआ है, पूरा फुल है, जगह ही नहीं है यार इसमें तो, मतलब ऐसे एक ही जैसे सोफा पे जैसे 4 लोगों की जगह है तो 2 लोगों ने खुद बैठे हुए, 2 जगह में अपने बैग वैग रखे हुए और हटाने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब दूसरा एक वेटिंग एरिया ये भाई बता रहा है कि एक और है उधर खाली है, इसमें जगह है। हाँ हाँ हाँ, ये लेडीज़ वेटिंग हॉल है, बट इसमें लेडीज़ की जगह जेंट्स बैठे हुए हैं सारे, इसे बैठ जाते हैं। अच्छा स्टेशन बना रखा है भाई, जो बात है ऐसा है ना, बढ़िया स्टेशन है वो। इसके अंदर तो हल्दीराम भी है, हो वो भाई कैफे के अंदर फूड प्लाजा कितना बढ़िया, दिखाता हूँ आपको रुको। ये है भाई यहाँ पे वेज थाली, इसमें ये आलू सब्जी दाल चावल रायता रोटी और ये अचार है, खा के बताता हूँ टेस्ट। दिस थाली मोस्ट रिकमेंडेड, कभी मत लेना। का है को ना बेकार हो बिल्कुल ही, मतलब खाने लायक ही ना हो। अभी हम लोग खाया है, मम्मी भी चाहेंगी, मैं मम्मी को बता रहा हूँ कि आप लोग थाली मत खाना, राजमा चावल खा लियो अगर आपको मन है, ठीक है जाओ राजमा चावल। चश्मा देखो ओ, 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 अंधी। राजमा राइस डन, नाउ सैंडविच। जब हम यहाँ पे आए थे जब कैसे खाली था भाई, अब देखो पूरा भर चुका है, मतलब जो लोग लेट हुए थे उन सबको उठा उठा के बिठा दिए हैं अब सारे लोग। अभी टाइम हो गया 4:12, अभी भी 1 घंटा तो पूरा भर चुका है, यहाँ पे लोग नीचे भी बैठ रहे हैं भाई। इट्स टाइम टू गो फ्रॉम दी अयोध्या, टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया अयोध्या को, क्योंकि टाइम हो गया है अब 5:05 बज गए, अनाउंसमेंट हो गई है, मैडम बोलने लगी अराइविंग सून अराइविंग सून अराइविंग सून, जल्दी से आप भी प्लेटफॉर्म की तरफ चाहिए मुड़िए, हम फटाफट से निकल गए हैं। अभी कहाँ ही है, अभी तो लेट आएगी, लेट ना चल रही वो तो टाइम पे है बिल्कुल, वंदे भारत है वो, उसको लेट नहीं कर सकते, वो प्रीमियम ट्रेन है ना। अब सब गए कहाँ, सब प्लेटफॉर्म पे जा खड़े हो गए, फोटो खींचो आपको चलो जाओ। अरे भाई
नहीं हुए हैं, अभी से ही आ गई ट्रेन तो इतना जल्दी। हम तो अंदर फोटो खिंचाने में लगे हुए थे और अब 15-10-12 मिनट पहले ही आ गई रेल। अब यहाँ पे भागा दौड़ी हो गई है। हमारा C2 में है, C2 पे पहुँचने वाले हैं भाई। ये अभी यहाँ पे ट्रेन 30 मिनट रुकेगी और लोगों को सबर नहीं होता। मतलब मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हो गया कि चलो पहले मम्मी पापा चढ़ जाएंगे, उसके बाद में मैं चढ़ूंगा। और अरे भाई हटिए ना, चढ़ने दीजिए, जगह दीजिए। अरे भाई पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको चढ़ जाने दो यार, इतनी भी क्या जल्दी आप लोगों को। अब यार 20 मिनट रुकेगी पर ये ट्रेन, अभी सब लोग अपने आराम से चढ़ सकते हैं। काफ़ी फास्ट चल रही है C2। हर सीट पर न्यूज़पेपर वाटर बोतल अवेलेबल है। भीड़ देखो भाई, कवर नहीं है लोगों को। चलती बहुत तेज है, अंदर चल के मैं दिखाऊंगा। मेरे पहले तो हम गलत डब्बे में घुस गए, C3 में मैंने ध्यान ना दिया, वो C2 में जाना था हमको, C3 में घुस गए। वहाँ जाके कोई बैठा हुआ, उसको कह दो लड़का लड़की बैठो, उसको कह रहे हैं भाई हटो यहाँ, हमारी सीट है करके। फिर वो दोबारा देखे, वो कह रहे कि नहीं भैया हम तो C3 में हैं। मैंने कहा C3 है तो C2 नहीं है क्या? बोले नहीं भैया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बैठे रहो, मैंने माफ़ कर दिया तुम लोगों को। फिर मैं अपना आगे निकल गया। यू नो मेरा दिल कितना बड़ा है, अब दूसरे डब्बे में घुस के अपनी सीट ले लिए और अब चलते हैं मेन उस पर बैठने के लिए अपने डब्बे में। अब चल गई है अपनी ट्रेन यहाँ, अब अपनी ट्रेन चल गई है। यहाँ पे स्पीड भी दिखती रहती है, वर्तमान स्टेशन वगैरह पूरा डिस्प्ले लगा रखे है एकदम। और ये यहाँ पे अयोध्या के स्टेशन को चलो करते हैं अब। बाय बाय अयोध्या स्टेशन, बाय बाय हमारी सीट लेकर मिली है हम लोगों को। इस वाली को पूरी एकदम पूरी बड़ी विंडो मिली है इसकी, और हमें मिली है एकदम छोटी सी विंडो। और यहाँ पे आपको अखबार मिलता है पढ़ने के लिए, पानी की बोतल खुद से प्रोवाइड किया जाता है। ये सीट देखें, यहाँ से ऊपर नीचे ऐसे हो सकती है, जैसे मम्मी की सीट को मैं कर रहा हूँ। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। खाने पीने का कैसा रहता है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी पूरा आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसा है। बट मेरी सीट सच में बहुत गंदी मिली है मुझे। आई एम रियली रियली सैड फॉर दैट कि मेरी सीट मुझे यहाँ पे मिली, वो भी विंडो नहीं मिली। देखो मैं यहाँ साइड में बैठा हुआ, हमको हमारी पानी की बोतल मिल गई, रेल नहीं गिरी। हाय अंकल, हेलो अंकल, आप भी बनारस जा रहे हो घूमे करने के लिए जा रहे हो? समझ गया मैं, बाबा की दया थे अंकल। ये आ गया भाई, बैठते ही अपना स्नैक्स, इसमें जिसमें ये चोको पाई, इसमें एक ये पेटी है जूस, और वो भी आएगा मखाना, वो उधर आया है। मतलब मेरा अभी आया नहीं है, लेने के लिए गया, शायद ख़त्म हो गया। ये देखिए अरुण पवार भी हमारे साथ में जुड़ गया है। आए कर दो, सबको आए दे दो। भाई मेरा मन बहुत जोर से लग रहा है, तेरा मन नहीं लग रहा है, ओ तेरा यार बड़ा हसीन है, इस यार के पप्पी दे दे। आवाज बढ़ा दे, प्रमोशन के पैसे लगेंगे। प्रमोशन तूने कर दिया, बहुत अच्छी, पापा के साथ में फुल एंजॉय हो रहा है ब्रो। तू बता क्यों नहीं जाता? उसमें ऐसे लिखा हुआ था अरुण भाई तो माँ बाप को नहीं घुमाता। ओ या कनेक्शन स्टेबल हो रहा है। अरुण इसका रीजन बताओ, आप क्यों नहीं जाते हो माँ बाप के साथ में? उसका रीजन शायद आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। मैं तो कल बताने एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे भाइयों को। पाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एक ग्रेट सरप्राइज। पापा की कम्युनिकेशन हो रही है अंकल जी के साथ में, गुड अंकल जी के साथ। चलो जी काफ़ी गुड ट्रिप जा रही है। अरे ये क्या दिख गया आपको, एयर ड्रॉप एयरपोर्ट दिख गए क्या? ओके ले लिया गाइस, बहुत फन हो रहा है ट्रेन में, बहुत फन हो रहा है, मजा आ रहा है। धीरे धीरे चल रही है। कौन सी फिल्म को? अच्छा हाँ मैं और मम्मी मूवी देख रहे हैं, उसको देख लेते हैं। चलो ये
कर दी। तो भाई हम लोग बनारस पहुंच गए हैं, अब मैं उतारने वाला हूँ वो बैग, देखो वहाँ पे रखा हुआ है। जब तो मैं इकला सिर्फ धर के डोल रहा हूँ या बताइए, अब तो पापा ने हाथ लगा दिया। तो जब तो मैं अकेले नहीं रखा और अकेले ऐसे सर पे लेके जब मैं दूसरे डब्बे में चढ़ गया था तो ऐसे लेके इसको चल रहा था मैं, मानो ऐसे और आपके एब्स भी दिख रहे थे। एब्स प्रीज़ टू मी है, नजर मत लगाओ राजा। क्योंकि 7:53 हो गए, 8 o'clock का टाइम है। हम तो सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं गेट पे जाने के लिए। 54 हो गया अपना, इतना बड़ा सा बैग, छोटा वाला बैग कहाँ, ट्रॉली बैग यूरो आ गए। ठीक है चलो, सर पे तो आप इसको रखो जो आप ये पत्थरों वाला भर के लाई हो। मम्मी आप सिर पे रख के ही तो चल रही लगे जब पहले ना ऐसे घुस गए सिर पे। और क्या अपने सामान में अपनी वो है। अभी 4 किलोमीटर बचा है, टाइम हो गया और मैंने सबको खड़ा कर दिया से बोल के कि जगह नहीं मिलती, चलो चलो चलो, शोर मचा के खड़ा कर दिया। हम सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, सब खड़े मैं बैठा हूँ मेरे साथ। जो सीट वाले थे वो पीछे भाग गए बेचारे। नाउ वी हैव कम आउटसाइड फ्रॉम दिस रेलवे स्टेशन एंड भोपड़न ही रिक्शा, आर होटल इज ऑलरेडी बुक्ड, वी आर गोइंग फॉर दैट। ये भाई आज का अपना स्टे, और अब हम पहुंच गए होटल में। देखो क्या प्रीमियम रूम है अपना, ये और एक, ये दो रूम बुक कर दिए मैंने आज। कल एक ही रूम में थे हम चारों, आज के लिए मैंने दो कर दिए। इसमें ये विंडो एसी दे रखा है, इसमें विंडो भी उधर, उसमें वहाँ पे ये एसी।